स्टार्ट करते हैं सेवेंथ साइंस चैप्टर ट्वेल्व से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स Now, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है बट वो बहुत क्लियर नहीं थी तो कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि इसको दोबारा बनाऊ तो इस इसको अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म करना वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है एक कैरेक्टरिस्टिक है अगर हम बोलते हैं कि क्या डिफरेंस है नॉन लिविंग और लिविंग में तो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं जो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है नाउ हम लोगों ने थोड़ा बहुत सिक्स क्लास में इसको देखा था विल स्टडी रिप्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होना किससे उनके पेरेंट्स उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन रीप्रोडक्शन दोबारा प्रोड्यूस होना बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस देर डिफरेंट मोड रिप्रोडक्शन इन प्लाट्स विच वी शेल लर्न इन दिस चैप्ट But plants कैसे reproduce करते हैं? अलग-अलग अलग-अलग के reproduction, अलग -अलग तरीके से से होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आगे like, detail में पूरा हम देखेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन क्लास सिक्स यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स सिक्स क्लास में आपने क्या किया था अलग अलग पार्ट्स देखे थे फ्लावरिंग प्लांट्स के ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच अब आप क्या करोगे अलग अलग पार्ट्स को मतलब बताओगे कि ये उसका ये पार्ट होता है ये पार्ट होता है और उसके फंक्शन लिखोगे मोस्ट प्लांट्स हैव रूट स्टेम्स एंड लीव्स दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं ना उनके रूट्स होते हैं स्टेम्स होती हैं लीव्स होती हैं एंड इनको हम लोग क्या बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं आफ्टर पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर्स ऐसा नहीं होता कि जब कोई प्लांट नया आता है, तो उसमें आते, ही आते हैं ऐसा नहीं होता कुछ के नए फ्लावर्स आते हैं यू मे the मैंगो ट्री फ्लावरिंग इन स्प्रिंग आपने देखा होगा कि जो मैंगो ट्री है वो स्प्रिंग में फ्लावर करता है इट इज दीज फ्लावर्स दैट गिव राइस टू ज्यूसी मैंगो फ्रूट वी एंजॉय इन समर यानी की जो आपने फ्लावर्स स्प्रिंग में थे उसके फ्रूट्स कब आ रहे हैं समर में आ रहे हैं वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजली डिस्कार्ड द सीड्स हम लोग क्या करते हैं फ्रूट्स को तो खा लेते हैं और जो सीड्स होते हैं उसको डिस्कार्ड कर देते हैं फेंक देते हैं वो हमारे काम का नहीं है सीड्सनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स जो सीड्स होते हैं वो दोबारा ग्रो करते हैं और वो नए प्लांट्स बनाते हैं नो सो वट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट अगर हमने ये पढ़ा कि फ्लावर आए उसके बाद फ्रूट्स आए तो यहाँ पे हमने फ्रूट्स को हमने खा लिया फाइन बट फ्लावर्स का फंक्शन क्या है फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर्स क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन uh, में हेल्प करते हैं There आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे जो प्लांट्स हैं वो अपने ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं दीज आर कैटेगराइज इंटू टू टाइप्स अगर हम बात करें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ठीक वैसे तो वेजिटेटिव भी आता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स वेयर वेर एस यानी कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है प्लांट Plant, नए प्लांट्स बनाएगा लेकिन सीड फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है तो मेल फीमेल गैमेट तो होंगे ही नहीं जब मेल फीमेल गैमेट नहीं होंगे तो क्या होगा जो भी नया ऑर्गेनिज्म आएगा वो विदाउट सीड्स आएगा जबकि हम बात करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तो नया प्लांट किससे आता है सीड से आता है कोई भी नया प्लांट जो होगा वो कहाँ से आएगा सीड से आएगा नाउ लेट स्टडी अबाउट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते न्यू प्लांट्स बन जाते हैं बिना सीड्स के प्रोड्यूस हुए वेजिटेटिव प्रोपगेशन इट इज अ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट स्टेम्स लीव्स एंड बर्थ. ये क्या है एक टाइप का ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है जिसकी बात हम कर रहे थे वेजिटेटिव प्रोपगेशन इट्स अ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जिसपे नया प्लांट बनता है किससे प्लांट के पार्ट से जैसे लिखा है स्टेम्स लीव्स बर्ड्स इनसे ही बन जाता है और यहाँ पे क्या नहीं बनता सीड्स नहीं बनते सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट नाउ यू विल आस्क मी कि मैम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों बोलते हैं क्योंकि जो भी नया प्लांट बनता है वो उसके वेजिटेटिव पार्ट से बनता है वो वेजिटेटिव पार्ट कुछ भी हो सकता है रूट स्टेम लीव्स एनीथिंग ठीक है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन नाउ एक एक्टिविटी दे रखी है पढ़ लेते हैं उससे हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है टॉपिक की कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विद अ नोड मतलब उसको नोड से कट करना है ये जो पीस ऑफ ब्रांच है उसको हम क्या बोलेंगे कटिंग कट कटिंग इन द सॉइल अब उसको क्या करो कटिंग को सॉइल में डाल दो अ नोड इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांच एट विच लीफ अराइज नाउ नोड हमने बात तो की थी कि हमें उसको नोड के साथ काटना है ठीक है जब प्लांट को कट किया था नोड के साथ काटना है लेकिन नोड क्या होता है नोड वो पार्ट होता है स्टेम या ब्रांच का जिसमें से लीफ आती है वॉटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ आपको क्या करना है कटिंग को हर दिन पानी देना है और उसकी ग्रोथ देखनी है ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट उसके बाद आप नंबर रिकॉर्ड करो कितने दिन लग रहे हैं रूट्स को बाहर आने में एंड नई लीवस को बाहर आने में ड योर ऑब्जर्वेशन आपको क्या करना है सेम एक्टिविटी मनी प्लांट के साथ भी करनी है और उसके बाद आपको अपनी एक्टिविटी को लाइक जो भी आपने किया उसको ऑब्जर्व करना है और उसको रिकॉर्ड करना है ठीक है एक जगह लिखना है कितना टाइम लग रहा है कितना डेज लगे हैं वट एवर इट इज नाउ यहाँ पे है नोड एंड बर्ड इन द एक्सिल आप देखोगे यहाँ पे ये पोर्शन क्या बताया था जहां से लीव आती है ठीक है ये छोटा सा पोर्शन है जिसमें से कोई चीज उग रही है नाउ यू मस्ट फ्लावर आपने देखा होगा फ्लावर्स के जो बर्ड्स होते हैं जिसको कलिया भी बोल देते हैं वो फ्लावर्स में डेवलप हो जाती हैं अपार्ट फ्रॉम द फ्लावर बर्ड देयर आर बर्ड्स इन द एगिल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ एट द नोड यानी कि उसने क्या बोला अगर हम फ्लावर्स बर्ड को हटाएं कुछ बर्ड्स होते हैं एग्जिल में एग्जिल क्या होता है वो पार्ट जहां पे आपका लीफ नोड से अटैच है ठीक है जो बाद में शूट्स में डेवलप हो जाता है एक birds. Birds बर्ड के अंदर क्या होता है शॉर्ट स्टेम होती है consists of short stem, छोटी स्टेम जिसके बाद छोटी छोटी सी जो लीव्स होती है वो आती है नाउ टेक अटैटो आलू लेना है, आप जो होता है जिससे आप यू you नो know, कोई भी चीज को जूम करके देख सकते हो उससे आपको उसके ऊपर के स्कॉस को नोटिस करना है यू मे फाइंड बर्ड इन दम आपको उसके अंदर बर्ड दिखेंगे दी स्कार्स आर कॉल आई अच्छा यहाँ पे ये जो आपने देख रहे हो यही जो बीच बीच में उगरे है मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देती हूँ ये ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ठीक है सो दीज पोर्शन इसने क्या बोला अ बर्ड कंसिस्ट और सॉरी कट द ये जो पोर्शन होते हैं इनको आइज बोलते हैं कट द पोटैटो इन टू स्मॉल पोर्शन ईच विद इन आई एंड बेरी इन द सॉइल आपको पोटैटो को कट करना है उनको छोटे छोटे पोर्शन में और सब में ऐसा होना चाहिए कि जो भी पोर्शन कट करो आई आ जानी चाहिए उसकी पोटैटो की जो यहाँ पे मैंने आई दिखाई थी वो वाली एंड उसके बाद सॉइल मोज को आप थोड़े टाइम पे रख दो वॉटर द पीसेस रेगुलरली फॉर फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस आपको क्या करना है उनको पानी देना है रेगुलरली और उसके बाद आपको प्रोग्रेस नोटिस करनी है कि क्या इंप्रूवमेंट हो रही है वॉट डू यू फाइंड लाइक विज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक आप जिंजर और टर्मरिक जो होता है जिसको हल्दी बोलते हैं और अदरक बोलते हैं उसके साथ भी ये सेम चीज़ कर सकते हो ट्वेल्व में ब्रायोफायलम स्प्राउट लीव प्लांट हैज बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ द लीव यानी कि जो ब्रायोफाइलम होता है उसके बर्ड्स लीव की मार्जिन में होते हैं इफ ए लीव ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन अ मॉइस्ट सॉइल ईच बर्ड कैन गिव रिस्ट राइज टू अंट यानी कि इसने क्या बोला कि क्योंकि ब्रायोफाइलम की जो बर्ड्स होती हैं लीफ प्लांट जो पोशन होते हैं मार्जिन जो होती हैं लीफ की वहां पे बर्ड्स होते हैं तो अगर वो लीफ सॉइल में गिर गई या फिर किसी मॉइस्ट जगह पे गिर गई मॉइस्ट पे गिर गई तो क्या होगा नया प्लांट आ जाएगा क्यों क्योंकि उसकी जो बाउंड्री है वहां पे बर्ड्स प्रेजेंट है रूट्स ऑफ सम प्लांट कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स यानी कि कुछ प्लांट्स के रूट्स भी क्या बना सकते हैं नए प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं स्वीट पोटैटो एंड दालिया For example, okay? Plants such as cacti produce new plants when their parts get detached. फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी ईच डिटैच पार्ट कैन ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट अच्छा एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं ये जो अभी हम ब्रायोफाइलम पढ़ रहे थे जिसकी जो बाउंड्री होती है उसपे बर्ड्स होते हैं ये वही है सो so इफ इसकी लीफ अगर नीचे गिर जाएगी तो क्या होगा सॉइल पे क्योंकि यहीं से ग्रोथ होती है तो नया प्लांट ग्रो हो सकता है ठीक है उसके बाद उससे क्या बोला जस्ट अट इसको रिपीट कर लेते हैं जैसे कि कैक्टी जो होता है वो नया प्लांट्स बनाता है किससे जो पार्ट डिटैच हो जाता है उसकी मेन बॉडी से जो पार्ट अलग हो जाता है उससे वो नया प्लांट ग्रो कर लेता है ठीक है

आपने वेजिटेटिव प्रोपोकेशन से ग्रो किया है वो जल्दी उग जाएगा और जो सीड वाला है दैट विल टेक सम टाइम द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट जो नए प्लांट उगते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं किसकी पेरेंट प्लांट की ये ए सेक्शुअल की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है अच्छी भी इसके बारे में वो भी पढ़ेंगे खैर कि अच्छी भी नहीं होती होती भी है तो आ, एक क्वालिटी जो ए सेक्शुअल की होती है दैट इज कि जो भी नया प्लांट आएगा वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होगा ठीक है दोनों चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होने से क्या फायदा होता है वेरिएशन आता है फॉर एग्जाम्पल ए सेक्शुअल में सिमिलर ऑफ स्प्रिंग आया तो कोई वेरिएशन नहीं आया कोई नई चीज नहीं आई सेम टू सेम रिपीट हो रहा है बट विथ सेक्शुअल रिपोर्डक्शन चेंजेस आते हैं क्योंकि दो जनों की क्वालिटीज आती हैं, तो वो बेटर यू नो होता है कर सकता है। लेट्स नॉट गुड देयर अभी थोड़ा सा इसको ही पढ़ लेते हैं प्लांट प्रोड्यूस सीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स होते हैं वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं किसका रिजल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ही सीड्स प्रोड्यूस होंगे तो ये पार्ट वन था जिसपे हम लोगों ने पढ़ लिया अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसके नेक्स्ट पार्ट में वी विल स्टडी अबाउट बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा नीचे प्ले में मैं लिंक डाल दूंगी सारी जितने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी उनमें आपको जो भी टॉपिक चाहिए सेवंथ के जो कवर हुए हैं वो मिल जाएंगे वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पर जाइए प्लेलिस्ट पे और होम पेज पे वहां पे भी आपको लिस्ट uh, सारी दिख जाएंगी सिक्स सेवेंथ एट जिसके जो भी चैप्टर आपको चाहिए होगा थैंक यू सो मच